हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ एग्जांपल्स हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जांपल फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8, सेकंड 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 9। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इनको सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी एडिशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है ब्रैकेट में वो प्लस का है, माइनस का भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो एडिशन के साथ क्या होता है, जस्ट ब्रैकेट ओपन करना होता है, इसको रखने की जरूरत नहीं है। आप ब्रैकेट ओपन करना है, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। इससे पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, और साइन किसका, प्लस का। अब ए बी से मल्टीप्लाई हो गया, अब ए को किससे करना है, सी से, ए मल्टीप्लाई सी। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसका यूज करके गिवन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8। अब देखिए 4, ए की वैल्यू क्या होगी 4, अगर कंपैरिजन करें तो बी की वैल्यू क्या होगी 5 और सी की वैल्यू क्या होगी 8। तो जस्ट फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, या फिर डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस का साइन। अब 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से, 4 मल्टीप्लाई 8। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 5 20 प्लस 4 8 32, 32 प्लस 20 ऐड कर देते हैं, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 2 5, 52, दैट इज आंसर। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी इसी को यूज करके हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। बी 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 9। प्रॉपर्टी हमारे पास ये, वैल्यू ऑफ ए क्या होगी 6, वैल्यू ऑफ बी क्या होगी 7 एंड वैल्यू ऑफ सी 9। जस्ट इसको ओपन करना है ब्रैकेट, आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये होती है, प्लस के साथ भी होती है और माइनस के साथ। 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 9, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, 7 6 7 42 6 9 50, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 4 9 96। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, फाइंड बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जैसे जिससे पहले भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के साथ की होती है और सब्ट्रैक्शन के साथ की होती है। एडिशन के साथ कैसे होती है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, जस्ट ब्रैकेट ओपन करके लिख देना है इसको, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका यूज करके हमें सिंपलीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट 15 मल्टीप्लाई 68 है, आप इसको 70 माइनस 2 भी राइट कर सकते हो, तो ये इजी हो जाएगा हमारे पास 68 को, या फिर 60 प्लस 8 भी राइट कर सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास, 68 को आप या तो 60 प्लस 8 राइट करें या 70 माइनस 2 राइट करें, तो दोनों ही आपके पास सही है। अगर 70 माइनस 2 राइट करोगे तो ये प्लस की जगह साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, सिंपल। तो हम इसको प्लस के साथ करते हैं, तो 60 प्लस 8 राइट किया मैंने, नियर अबाउट 10 से। अब हम दूसरे, जैसे जो जो नंबर जिसके नजदीक होता है नियर अबाउट, जैसे 68 60 और 70, तो आप 70 माइनस 2 भी राइट कर सकते हो इसको, वो भी सही है आपका, और 60 प्लस 8 ये भी सही। जैसे हमने 101 को इससे पहले ही क्वेश्चन ब्रेक करके लिखा था 100 प्लस 1, ऐसे 1001 को हमने ब्रेक करके लिखा था 1000 प्लस 1।
तो नियर अबाउट जीरो किस लिए करते हैं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करना इजी होता है जीरो वाले डिजिट को। अगर वन प्लस पे हमारे पास जीरो नंबर है वन और टेन प्लस पर, तो इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना, इसलिए उसको ब्रेक करते हैं। अब देखिए जस्ट मल्टीप्लाई करना है, फिफ्टीन को किससे मल्टीप्लाई करना है, सिक्सटी से, फिफ्टीन मल्टीप्लाई सिक्सटी प्लस फिफ्टीन को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, एट। हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जो हो जाएगा फिफ्टीन इंटू सिक्स नाइनटी और जीरो का जीरो 900, 60 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 900। हम मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 सा 40, 4 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, मल्टीप्लाई करना हमें आता ही। अब इसको प्लस करते हैं, 900 प्लस 120, जरा अपना प्लस करते हैं, 900 प्लस 120, 0 का 0 2 का 2 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया 1020। तो याद रखना जब आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या कोई आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो आपको वही आइडेंटिटी या गिवन फॉर्मूला यूज करके ही करना है, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, 17 मल्टीप्लाई 20। अब देखिए 23 को आप 20 प्लस 3 ब्रेक करके लिख सकते हो, नियर अबाउट 10 प्लस 0 होगा तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो हमने इसको ब्रेक करके लेगा 17 मल्टीप्लाई 20 प्लस 3। अब जस्ट ब्रेक तो ओपन करना है, हो गया ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला। 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से, 17 मल्टीप्लाई 20 साइन प्लस का, 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना, 17 टू 34, 0 का 0 तो आ जाएगा 340, 20 से मल्टीप्लाई करने पर 17 3 जा 51। अब प्लस करते हैं, प्लस 51 किया हमने तो 1 का 1 5 प्लस 4 9 3 390, दैट इज आंसर।